हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बनाएंगे चावल की खीर। चावल को 15 मिनट के लिए भिगो करके रख दिया था और दूसरी तरफ मैंने गैस पर दूध को गर्म करने के लिए रख दिया था। दूध अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे चावल। चावल आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल ही छोटे वाले चावल का इस्तेमाल किया है खीर बनाने के लिए। इन चावल से खीर बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती है। इस तरह से चावल डाल करके चलाते रहेंगे। चावल को पहले ही भिगो करके रख दें, इससे खीर में जल्दी बन करके तैयार हो जाती है और समय भी बहुत कम लगता है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखें। फुल गैस पर खीर कभी ना बनाएं, इससे दूध बाहर निकल सकता है और काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खीर को मैं लगातार इसी तरह से चलाती रहूँगी। आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट के बाद ही दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। दूध को कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहना है। दूध अच्छे से चावल में घुल जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से खीर बना रही हूँ और झटपट से बन करके तैयार हो जाती है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। दूध और चावल को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और दूध गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। दूध और चावल को आप जितनी देर तक स्लो गैस पर पकाएंगे ना, तो आपकी खीर उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी। खीर में कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं भी डालेंगे ना, तो भी आप खीर को उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। आप इसी तरह खीर को स्लो गैस पर पका लीजिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, खीर अच्छे से पक रही है। अब मैं खीर में ऐड करूँगी छोटी इलायची। मैं ऐसे ही साबुत डाल रही हूँ, आप चाहे तो कूट करके भी डाल सकते हैं। खीर को अच्छे से चलाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये खीर की रेसिपी अच्छी लग रही तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं ऐड करूँगी बादाम का पाउडर। आप चाहें तो कटे हुए बादाम को भी डाल सकते हैं फ्राई करके। बीच बीच में खीर को मैं चलाती रहूँगी। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी बादाम का पाउडर 2 चम्मच। चलाऊँगी इस तरह से, चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, खीर हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। अब 2 मिनट के लिए गैस पर पका करके नीचे उतार लेंगे। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद। खीर को ठंडी होने के बाद ही सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, खीर हमारी ठंडी हो चुकी है और गार्निश कर देंगे नारियल से और कद्दू के बीज से। आपको जो फ्रूट पसंद है आप उसी से ही गार्निश कर सकते हैं। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।